नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत देश के तमाम घरों में महिलाओं को धुएं से भरे चूल्हे से निजात दिलाने की पहल की गई है, जिसका फायदा देश के करोड़ों परिवार ने उठाया है। हालांकि इस बार इस योजना के तहत सरकार ने लाभार्थियों के साथ साथ परिवारों को भी इसमें शामिल करने का मन बना लिया है, जिसके तहत अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के साथ साथ गैस चूल्हा भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह पहला मौका होने जा रहा है जब ग्राहकों को मुफ्त में भरा सिलेंडर भी मिलने वाला है। बीते दिन ही उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हो गई है। बीते दिन से शुरू हुए योजना के तहत गैस कनेक्शन तो लाभार्थियों को दिया ही जाएगा, साथ ही पहली बार भरा हुआ मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले उज्ज्वला योजना के तहत पहले संस्करण में केंद्र सिर्फ एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराती थी, जिसके माध्यम से लाभार्थी परिवार स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज के लोन ले सकते थे। जानकारी के अनुसार लगभग 5 साल यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 1 मई 2016 को राज्य के बलिया जिले में इस योजना के पहले संस्करण की शुरुआत की थी। वहीं अब इस योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार के इस दूसरे संस्करण से पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना बयान जारी करते हुए 1 फरवरी 2021-22 में 1 करोड़ नए लाभार्थियों के लिए योजना का विस्तार करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में यह भी साफ किया था कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई उज्ज्वला योजना, जिसमें पहले संस्करण तक करीब 8 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया है, अब 1 करोड़ से अधिक और लाभार्थियों को कवर करने के लिए विस्तार किया जाएगा। इसी बार इस योजना में आवेदन का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत एससी और एसटी से संबंधित गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं कि आप इस योजना का लाभ आखिर कैसे ले सकते हैं। आवेदकों को केवाईसी के लिए एक फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए किसी नोटरी या हलफनामे की जरूरत नहीं होगी। अगर आवेदन के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन का विकल्प दिया जाएगा। आवेदन के लिए गैस कंपनी या फिर कॉमन सर्विस सेंटर की वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके लिए सबसे पहले आप www.pmuy.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहां क्लिक करते ही आपको योजना से जुड़े 3 एलपीजी वितरक, जिसमें इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस दिखाई देने लगेंगे। आप अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। अपनी पसंद का वितरक चुनने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पहले से ही एलपीजी गैस धारक हैं। जाहिर सी बात है कि आपको इसका जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, तभी आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। इसके साथ ही विकल्प को चुनते ही आपको स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई देगा। अब इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी आपको देनी होगी और इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करना होगा। इसके साथ ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म में दी गई जानकारी जांच की जाएगी। अगर आप भरे गए आवेदन पत्र के अनुसार योग्य होंगे तो आपको जल्द से जल्द इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। अब आइए जानते हैं कि आप में से कौन कौन से लोग इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है। केंद्र सरकार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इस योजना के आवेदक अभी महिला ही हो सकती है, जिसकी उम्र सीमा लगभग 18 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वहीं इस योजना के तहत इन श्रेणियों में से किसी से संबंधित व्यसक महिला ही इस योजना का लाभ ले सकती है, जिसके तहत एससी एसटी प्रधानमंत्री आवास योजना, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय और पूर्व चाय बगान जनजाति, वन निवासी 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार एसईसीसी परिवारों या किसी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।